आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म का दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो है सेम उसी टाइप का है जो कल हम किए थे, तो इसमें हम चेंज क्या किए, इसको हम लोग दो नंबर क्यों दिए, चेंज क्या किए हैं। तो चेंज हम यहाँ पे एक ही जगह पे चेंज किए हैं, कट करने की जगह पे इसको हम दूसरे तरीका से काटने जा रहे हैं। उसके बाद जो हमको सरफेस डेवलप होगा उसको हम लोग को दिखाना है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें चेंजिंग है कि इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू दी वीपी एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे हम लोग कल जो प्रॉब्लम पिछला प्रॉब्लम किए हैं वो 45 डिग्री था, आज हम लोग एंगल चेंज कर दिए हैं, एंगल है 60 डिग्री टू दी एचपी। और बाकी सारा चीज सेम है जो हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे, सेम टू सेम है। तो अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे केवल और इसका डेवलपमेंट देखेंगे इस प्रिज्म में। तो ये जो हम लोग इसको काटे थे 45 डिग्री पे और मिड पॉइंट से पास रहे थे, आज इस कटिंग को चेंज कर देंगे 60 डिग्री। तो इसमें ऊपर का बेस भी कुछ कटेगा और नीचे का बेस भी कुछ कटेगा। तो हम काट के देखते हैं 60 डिग्री पे, हम लोग एंगल ले रहे हैं 60 डिग्री। तो ये पुनः 5.50 वर्टिकल लाइन कटा है, देखते हैं ये बेस है, बेस का पॉइंट हम लोग ले लिए पी डैश, यहाँ क्यू डैश, यहाँ आर डैश, यहाँ एस डैश और ये टी डैश, यहाँ पर हम लोग ले लिया टी डैश। तब हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट पुनः कटा है, जिसमें 3 वर्टिकल दिख रहा है हम लोग को और 2 बेस का पॉइंट। तो बेस का डेवलपमेंट करने के लिए, बेस का डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग कटिंग पॉइंट को टॉप व्यू में बेस पे गिराएंगे, जिससे हमको कटिंग पॉइंट डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। तो इस पी पॉइंट को हम बेस पे गिरा रहे हैं। बेस पे गिराने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, बेस के 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक को तो हम लोगों ने पी दे दिया, दूसरा को एस हम लोग नाम दे दे रहे हैं, दूसरा नाम हम लोग एस दे दिए। यहाँ बेस में 2 पॉइंट कटिंग हुआ, टॉप व्यू में गिरा कर देखे तो बेस का 2 पॉइंट कटिंग हुआ, पी और एस। अब देखते हैं टी, टी को जब हम लोग बेस पे गिराते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या यहाँ भी 2 पॉइंट है। जी हाँ, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं जब टी को गिराया तो भी 2 पॉइंट पे कटा है बेस का। एक का नाम टी दे दिए, दूसरा एस जो हम यहाँ लिए थे, एस के बाद हम लोग इसका दूसरा नाम एक और ले लेते हैं यू डैश, हम लोगों ने ले लिया यू डैश। तो इसका नाम हम लोग देते हैं यू। अब हम लोग इसका डेवलपमेंट करेंगे। तो पहला लाइन मेथड से जो पहले 3 वर्टिकल लाइंस है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे।
ये हम लोगों ने तीन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए जो वर्टिकल पॉइंट पे कटे थे। हम लोग देखते हैं क्यू, क्यू जो है ई और पांच पर है, तो ई और पांच पर का नाम क्यू, आर बी और टू पर, तो बी और टू पर का नाम हो गया आर, एस डी और फोर पर का पॉइंट, डी और फोर पर का पॉइंट एस, डी और फोर पर का पॉइंट एस हो गया। हम लोग तीन पार्टिकल जो साइड था उसको कटिंग का हम लोग पॉइंट देखा लिए। अब हम लोग बेस का पॉइंट देखेंगे, बेस का पॉइंट क्या है, तो बेस का पॉइंट पी जो कटा है नीचे के बेस पे कटा है पी और एस, और टी और यू जो है ऊपर के बेस पे कटा है। तो नीचे का बेस का नेमिंग हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो देख रहे हैं कि 1 से 2 तरफ कितना दूर पर P है, 1 से 2 तरफ हम लोग नाप लेते हैं, या 2 से 1 तरफ कितना दूर पर, 2 से 1 तरफ हम लोग ये नाप रहे हैं 2 से 1, तो यहां भी हम लोग 2 से 1 तरफ ही काटेंगे और इसका नेमिंग हो जाएगा P। अब जो है S, S को नाप लेते हैं 1 से 5 तरफ या 5 से 1 तरफ इतना दूर, तो 5 से 1 तरफ हम इतना दूर काट लेते हैं, ये हमारा हो गया S। अब हम लोग ऊपर के बेस को देखेंगे, ऊपर का बेस है बी से सी तरफ टी, बी से सी तरफ टी हम लोग यहां नाप लिए, तो बी से सी तरफ टी और इसका नाम हो गया टी। अब ये है यू, यू जो है डी से सी तरफ हम लोग नाप लेते हैं, डी से सी तरफ, देखिए डी से सी तरफ, डी से सी तरफ इस साइड, डी से सी तरफ जो कटिंग कर लिए उसको हम लोग यू से दिखा लेते हैं यू। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे पी से आर, स्ट्रेट लाइन आर से टी स्ट्रेट लाइन, टी से यू स्ट्रेट लाइन, यू से एस स्ट्रेट लाइन, एस से क्यू स्ट्रेट लाइन, फिर क्यू से एस, एस दो बार लिखा चुका है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहां पे एस के जगह पे भी मान लेते हैं, एस की जगह पे भी हम लोग नहीं कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा एंगल था 60 डिग्री, एस दो बार हो चुका था स्लेप को हम भी में कन्वर्ट कर लिए, तो यहां पर का नाम हम लोग भी से सुधार देते हैं भी। और हम लोग को चूंकि दिखाना है ट्रंकेटेड पार्ट, ट्रंकेटेड पार्ट का हम बता चुके थे कि हम लोग को निचला पोर्शन ही दिखाना है, तो नीचे वाला पोर्शन को कवर कर लेंगे एचबी पेंसिल से। आप लोग को जो हल्का लाइन दिख रहा होगा, जो कम दिख रहा होगा वो एच पेंसिल समझना है, ऐसे हम ब्लू मार्कर यूज किए हैं। इस प्रकार हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म का दूसरा प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर, डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर अब हम लोग देखेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ है, इसको आप लोग कॉपी पर बना लें, देखकर हमको छोड़ दे रहे हैं, बना लीजिए इसको। डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर, डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर अब हम लोग करेंगे। इसका हम लोग एक प्रॉब्लम ये है, क्या है, ए सिलेंडर ऑफ बेस 50 mm डायमीटर। देखिए ये हमारा सिलेंडर है, इसका ये डायमीटर हम मान ले रहे हैं कि 50 mm है एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है एक्सिस है वो 60 mm लंबा है, इज रेस्टिंग ऑन दी एच पी, इस प्रकार से ये जमीन पे खड़ा है
इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एचपी। सेम पहला क्वेश्चन की तरह इसमें भी कटिंग है। देखिए ये सिलेंडर एचपी पे खड़ा है, ये एक्सिस ये सेक्शन प्लेन वर्टिकल यानी एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है और 45 डिग्री के एंगल पे बनाते हुए काटेगा और एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा मतलब मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो सिमिलरली पिछला क्वेश्चन की तरह ही पहले हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू में हमें सिर्फ सर्किल दिखेगा और फ्रंट से एक रेक्टेंगल दिखेगा। यहाँ पे हम लोग एक टॉप व्यू में सर्किल बना लेंगे, फ्रंट में रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको हम लोग डेवलप दी लैटरल सरफेस ऑफ ट्रंकेटेड पार्ट। पुनः कटने के बाद हम लोग निचला पोर्शन को डेवलप कराएंगे। तो हम लोग अब इसका डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग एक सिलेंडर ले रहे हैं, ये हम लोग का सिलेंडर है। टॉप से देखेंगे तो हमको एक सर्किल दिखेगा, फ्रंट से एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसका टॉप भी हम लोग ले चुके हैं, फ्रंट भी ले चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे टॉप व्यू को हम लोग 8 इमेजिनरी भाग में बांट दिए हैं। ये 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग 8 इमेजिनरी पार्ट बांट दिए हैं। इसका फ्रंट व्यू हम लोग ये ले रहे हैं, ये एक्सिस है, एक्सिस जो है थोड़ा चेन लाइन होगा, बड़ा थोड़ा छोटा लाइन रहेगा चेन लाइन। और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है यही सिर्फ एचबी पेंसिल से रहेगा। ऊपर वाले नेमिंग को हम लोग एबीसीडी में दिए हैं और नीचे वाला नेमिंग को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 में दिए हैं। तो टॉप से देखेंगे तो एबीसीडी दिखेगा जो कि हम लोग बाहर दिए हैं और 1 2 3 4 नीचे में दब गया इसलिए उसको हम लोग कॉर्नर में दिए हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच सब पे डैश इसलिए दिए हैं क्योंकि यह वीपी है, यह हमारा 60 डिग्री हाइट हो गया और इसको हम लोग मिड पॉइंट से एक्सिस के मिड पॉइंट पे 45 डिग्री के एंगल पे काटे हैं। अब इसको हम लोग 8 पार्ट में डेवलप कराएंगे। कैसे 8 पार्ट में? जब हम सिलेंडर को खोलेंगे, देखिए जब हम इस सिलेंडर को इस प्रकार खोलेंगे तो ये जो लेंथ है 2πr के बराबर होगा, ये 2πr के बराबर होगा। तो यहाँ से ये जो लेंथ होगा हमारा ये 2πr के बराबर होगा। अब इसको हम लोग 8 पार्ट में कैसे डिवाइड किए हैं? तो 2πr डिवाइडेड बाय 8 जितना वैल्यू आएगा, 2πr बाय 8 जितना वैल्यू आएगा उतना हम लोग स्केल से मेजर कर करके उसको हम लोग यहाँ पे 8 पार्ट में काट लिए हैं। अब इसका डेवलपमेंट का नेमिंग नीचे वाला का नेमिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पुनः ये 1 हो जाएगा। ऊपर वाला ए बी सी डी ई एफ जी एच फिर ये ए हो गया। यहाँ से हम लोग कटिंग पॉइंट 8 वो इमेजिनरी लाइन कटा है, 2 मेन लाइन है बाहर वाला, 8 इमेजिनरी पॉइंट पे नहीं हो जाएगा पी डैश क्यू आर एस टी यू बी आई डब्ल्यू, टोटल 8 कटिंग पॉइंट हो गए हम लोग को। अब 8 लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टली ले जाएंगे जो कि एक्स वाई पे पैरेलल होगा। हम लोग बता चुके हैं कि प्रिज्म का और सिलेंडर का जो डेवलपमेंट होगा पैरेलल लाइन मेथड से होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से 8 लाइन ले जाएंगे जो कि एच पेंसिल से होगा। तो 8 लाइन हम लोग ले जा रहे हैं, 8 लाइन में हम लोग को 2 यहाँ को इनसाइड है, 2 यहाँ को इनसाइड है, 2 यहाँ पर, टोटल कितने लाइन जाएंगे? 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन जाएंगे जो कि एक्स वाई के पैरेलल होगा। देखिए इस प्रकार
एक, दूसरा पांच लाइन हम लोग ले जाएंगे और सारा लाइन जो होगा एच पेंसिल से हो जाएगा। तीन हो चुका है, दो और लेंगे। सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि यह पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड है। अब पांचवा लाइन लेंगे, यहां पे लास्ट पांचवा लाइन, ये हम लोग पांच लाइन ले चुके हैं। अब इसके हम लोग नेमिंग पता लगाएंगे कि किस किस तरह से पॉइंट चलेगा। पी पी देख रहे हैं ए और वन पे है, तो ए और वन पे जहां कट किया है वो पी हो गया, ए और वन यहाँ भी है ए भी पी हो गया। क्यू क्यू को हम लोग बी और टू पे मान लेंगे और डब्ल्यू को हम लोग एच और एट पे मान लेंगे, तो बी और टू पर जहां कटा वो क्यू हो गया, एच एट पे जहां कटा डब्ल्यू। आर सी और तीन पे, सी और तीन पर नेमिंग आर हो गया। भी भी जो है जी और सेवन पे, तो जी और सेवन पर का नेमिंग भी हो गया। डी और फोर पर का नेमिंग एस, और एफ और सिक्स, एफ और सिक्स पर का नेमिंग हो गया भी, यू है यू। अब टी टी जो है ई और पांच पर का नेमिंग है, ई और पांच पर का नेमिंग हो गया टी। अब सभी को मिलाएंगे, तो चूंकि ये सिलेंडर है इसलिए हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन ना मिला करके कर मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग फिगर दे रहे हैं, ये पहले सिलेंडर था, ये पहले सिलेंडर था, इसको हम लोग 45 डिग्री पे काट करके इस तरह से इसके ऊपर वाले पोर्शन को हटा दिए हैं। अब इस सिलेंडर को हम इस तरह से खोलेंगे, देखिए पीछे से इसको खोलेंगे तो ये इस तरह का शेप बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह स्ट्रेट लाइन ना होकर के ये कर्व लाइन है, और इसी तरह का कर्व लाइन हम लोग को मिलेगा देखिए। तो अब हम लोग मिलाते हैं तो देखते हैं किस तरह का कर्व मिल रहा है कि नहीं। ये फ्री हैंड से हम लोग बनाएंगे, ये जो पॉइंट को मिला रहे हैं फ्री हैंड से मिलाएंगे, नहीं तो इसको मिलाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व से मिलाएंगे तो और बढ़िया कर्व बनेगा, क्योंकि हमारे पास फ्रेंच कर्व यहाँ पे नहीं है इसलिए हम फ्री हैंड से ही मिला ले रहे हैं। अब हम लोग को ट्रंकेटेड पार्ट की दिखाना था इसलिए नीचे वाले पोर्शन को हम लोग दिखा दिए हैं। अब इस लाइन को हम लोग डीप नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे डीप क्योंकि एयर इमेजिनरी लाइंस हैं। इस प्रकार हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर का एक पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पोर्शन का पोर्शन नंबर टू सिमिलरली उसी तरीका से करेंगे, केवल हम यहाँ पे एंगल को चेंज करेंगे 60 डिग्री। हम लोग अब डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर का दूसरा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम यहाँ लिखे नहीं है, सिर्फ आप लोग समझिएगा कि हम उसी क्वेश्चन में कटिंग एंगल को ये बढ़ा दिए हैं, 60 डिग्री कर दिए हैं, तो इससे हमारा डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का भी बेस कट रहा है और यहाँ नीचे का भी बेस कट रहा है। तो इस बेस को हम लोग डेवलप कराने के लिए इसका टॉप व्यू पे इसको गिरा रहे, तो ये भी देख रहे हैं कि दो पॉइंट पे कट रहा है, इसके भी टॉप व्यू को गिरा रहे तो ये भी दो पॉइंट पे कट रहा है। तो इसका हम लोग नेमिंग दे लेते हैं, यहाँ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एम और एन सभी डैश में रहेंगे क्योंकि यह वीपी है। अब हम लोग इसको गिराए हैं, इसका भी नेमिंग दे ले पी
और यहाँ एन, यहाँ पे टी और यहाँ पे यू। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि तीन वर्टिकल लाइन जो कटे थे उसपे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले गए हैं, जिसका पॉइंट खोज लेते हैं। क्यू बी और टू पे क्यू सपोज करते हैं, एच और एट, एच और एट पर हम लोग एम सपोज करेंगे। तो बी और टू, बी और टू पर हम लोग क्यू सपोज किए और एच और एट पर एम, एच और एट पर एम। डेवलपमेंट में बड़ा नेमिंग करेंगे हम लोग। सी और थ्री पर आर, जी और सेवन पे डब्ल्यू। तो सी और थ्री पर ये आर, जी और सेवन पे, जी और सेवन पे यहां डब्ल्यू। एस डी और फोर, डी और फोर पर एस और एफ और सिक्स पर भी, एफ और सिक्स पर का पॉइंट भी। अब ऊपर का बेस हम लोग देखेंगे किस प्रकार लेंगे और नीचे का बेस को। तो नीचे का बेस वन टू थ्री फोर, तो जो हम लोग स्मॉल लेंथ है यहाँ पे कर्व पे, हम लोग इसको मेजर करके ही डेवलपमेंट में काटेंगे। ये स्मॉल पोर्शन में ये आर्क का जो लेंथ होगा, ये आर्क का जो लेंथ होगा इसका और यहाँ से मिलाएंगे दोनों लेंथ लगभग बराबर माना जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं से मेजर कर लेते हैं। हम यहाँ से नाप लेते हैं बीस अति टू से वन तरफ इतना स्मॉल पोर्शन, टू से वन, तो देखिये टू से वन तरफ हम इतना इसी के बराबर हम यहाँ से काट दिए, इसका नेमिंग है पी। अब देखते हैं एट से वन, एट से तरफ वन तरफ भी उतना ही है लगभग, एट से वन तरफ, तो यहाँ तो एट से वन तरफ उतना ही हमको, हम लोग यहाँ दे दिए एन, यहाँ पी। अब ऊपर से इसको जब गिराए हैं तो ये भी देखते हैं कि डी से इस तरफ, डी से इस तरफ स्मॉल पोर्शन इतना जो लेंथ नाप लेंगे, डी से इस तरफ टी, डी से इस तरफ इतना दूर में हम लोग दे दिए टी। अब है यहाँ पे यू, यू जो है एफ से इस तरफ में स्मॉल पोर्शन ये है, एफ से यू तरफ, एफ से इस तरफ, एफ से इस तरफ ये हमारा हो गया यू, एफ से ई तरफ हमारा हो गया ये यू। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग लाइन को पी से मिलाना शुरू करते हैं। देखिए ए बी कर्व होगा, यहां से आज स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये हम लोग नीचे वाला पोर्शन इसको भी मिला देंगे। इस प्रकार हमारा ये डेवलपमेंट हो गया। जब ये 60 डिग्री पे कटेगा और ये वाला इतना दूर जो लाइन होगा ये एच पेंसिल से ही रहेगा, ये भी एच पेंसिल से, ये जो शेप आया ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर हुआ, जब हमारा मिड पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड एंड कोन। थैंक यू।